और आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं बाराबंकी, जहां पर राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मुझे होशियारी मत करो, ये 72,000 जो है ये 6 महीने में मिलेंगे, 10 साल में मिलेंगे, 15 साल में मिलेंगे, कितने टाइम में मिलेंगे? मुझे कहते हैं 5 करोड़ लोगों को हर साल 72,000 रुपए न्याय योजना दिलवाएगी। मतलब 6,000 रुपए, देखिए 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में सीधा, 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में, यहां पे बहुत सारे पुरुष दिख रहे हैं, मुझसे गुस्सा मत होना, मगर महिलाओं के बैंक अकाउंट में जा रहा है। अब आपको उनसे मांगना पड़ेगा, वो आपकी बात है, मगर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए, हर साल 72,000 रुपए, 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए हम बैंक अकाउंट में डाल दें। अब यहां मुझे बहुत युवा दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने रोजगार दिया किसी को? उल्टा आपसे रोजगार छीना है, उल्टा आपसे रोजगार छीना है। आज हिंदुस्तान में हर रोज 24 घंटे में 27,000 युवा रोजगार खोते हैं नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के कारण। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, गब्बर सिंह टैक्स को हम बदल के जीएसटी में बदल देंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। मगर दूसरी बात युवाओं को कहना चाहता हूं, मैं आपको इस स्टेज से 2 करोड़ की बात नहीं करूंगा, मैं यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं, 15 लाख नहीं कहूंगा, 3,60,000 कहूंगा। मगर मैं आपको 2-3 गारंटी दे सकता हूं। एक गारंटी, 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, 1 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी 22 लाख सरकारी नौकरी भर के आपको दिलवा देगी। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी पंचायतों में रोजगार दे देगी। आखिरी बात युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश में युवा रोजगार पैदा करना चाहता है, बिजनेस खोलना चाहता है, मगर अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी युवा बिजनेस खोलने जाता है, उसे पहले सरकार कहती है देखिए परमिशन लेने की जरूरत है, अलग अलग डिपार्टमेंट से युवा को परमिशन लेनी पड़ती है। एक डिपार्टमेंट में जाता है, योगी जी की सरकार कहती है भैया पहले परमिशन से पहले रिश्वत दो, जेब से पैसा निकालता है। दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, कहते हैं भैया परमिशन मिलेगी मगर पैसा दो। तीसरे में जाता है, चौथे में जाता है, 15-20 डिपार्टमेंट में जाता है, हर डिपार्टमेंट में पैसा देता है। पता लगता है कि जो पैसा था बिजनेस चालू करने के लिए वो चला गया, बिजनेस चालू ही नहीं हो पाता। कांग्रेस पार्टी ने साफ लिख दिया है, चुनाव के एकदम बाद उत्तर प्रदेश के किसी भी युवा को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन लेने की किसी से जरूरत नहीं। आप अपना बिजनेस तैयार कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, 3 साल बाद सरकार के डिपार्टमेंट में जाइए, परमिशन ले लीजिए, और 3 साल के अंदर यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार हो जाएगी, यहाँ पे आपको किसी को मतलब रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों के लिए 2 चीजें, एक, इस बार आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों के लिए हम एक ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। आमतौर से एक नेशनल बजट होता है, नेशनल बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, रखा जाता है। इस बार कांग्रेस पार्टी आएगी तो हमने कहा है एक बजट नहीं होगा, 2 बजट होंगे, एक नेशनल बजट होगा और दूसरा किसान का बजट होगा। उसमें किसान को शुरुआत में ही बता दिया जाएगा कि इस साल आपकी एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी, आपको मुआवजा इतना मिलेगा, बीमा का आपको पैसा इतना मिलेगा, आपके खेत के पास हम इस प्रकार की फैक्ट्री लगा रहे हैं, आपका इतना कर्जा माफ होगा, पूरा का पूरा शुरुआत में ही हम आपको बता देंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा।
और आखिरी ऐतिहासिक काम किसानों के लिए। आपने देखा होगा कि अनिल अंबानी ने 45,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया, वापस नहीं दिया, जेल से बाहर है। देखा आपने, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए ले गया, जेल से बाहर है। मगर अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी जेल में जाओगे, आपको दिखेगा कि वहां पे किसी किसान ने 20,000 रुपए का कर्जा लिया, वापस नहीं दिया, उसको जेल में डाल दिया। किसान को 20,000 रुपए कर्जा ना लौटाने पे जेल में डाल देते हैं, और अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ ना लौटाने पे और पैसा देते हैं। वो जेल के बाहर बैठता है, हमारे किसान जेल के अंदर होते हैं। आपको ये सही लगता है? आपको ये न्याय लगता है क्या? गलत लगता है ना? तो आप सुनिए, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है 2019 के बाद, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो कोई और प्रदेश हो, हिंदुस्तान के किसी भी किसान को कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जाएगा। अब देखिए, हमने सबसे बात करके युवाओं से बात की, किसानों से बात की, मजदूरों से बात की। मजदूरों ने हमें बोला, देखिए 100 दिन का मनरेगा होता था, कम पड़ता है, 150 दिन का दीजिए। हमने कहा ठीक है, 150 दिन का दे। तो हमने सबसे बात की, और जो आपने हमें कहा हम करने जा रहे हैं। न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चालू कर देगा, लाखों युवाओं को रोजगार देगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आते हैं, झूठ बोलते हैं, 15 लाख, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, और फिर करते हैं अनिल अंबानी का काम। भाइयों और बहनों, वो आपके चौकीदार नहीं है। किसान के घर के सामने आपने कभी चौकीदार देखा है? मजदूर के घर के सामने चौकीदार देखा है? बेरोजगार युवा के घर के सामने चौकीदार देखा नहीं? अनिल अंबानी के घर के सामने चौकीदार देखा? ये जो चौकीदार है ना, चौकीदार को हटाओ, कांग्रेस पार्टी को लाओ, हमारे यहाँ जो कैंडिडेट है, कहाँ गए तरुण जी, इनको जिताओ, पुनिया जी को जिताओ, कांग्रेस पार्टी को लाओ। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।